उत्तर प्रदेश के संभल में जब मतदान हो रहा था तो उस दौरान पुलिस प्रशासन पर जनता के जरिए मतदाताओं के जरिए ये आरोप लगाए गए कि पुलिस प्रशासन मतदान नहीं करने दे रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है। ऐसा सब कुछ मुस्लिम मतदाताओं के जरिए कहा गया और कुछ वीडियोस तथ्यों के आधार पर और सबूत के तौर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए, जिनमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कुछ लोग जमीन में गिरे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपनी पीठ पर मारपीट के निशान दिखाए हैं जो पुलिस के जरिए की गई है, ऐसा आरोप जनता ने लगाया। लेकिन जिस तरह की तीखी नोकझोंक और बहस पुलिस प्रशासन के और जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से विधायक हैं उनके और उनके समर्थकों के बीच पुलिस प्रशासन के साथ हुई, वो काफी आश्चर्यजनक है, चिंता का विषय है कि आखिर विधायक, मौजूदा विधायक संभल के, जिनके साथ पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार कर रहा है और वो तस्वीरों में देखा जा सकता है, बाकायदा तौर पर धक्का मुक्की उनके साथ की जा रही है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद डीएम साहब ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है, अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है और बताया है कि जियाउर रहमान बर्क के जरिए क्या कुछ किया जा रहा था, किसको वो पोलिंग बूथ के अंदर ले जाना चाहते थे जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, डीएम साहब का स्पष्टीकरण भी है, लेकिन जो धक्का मुक्की पुलिस प्रशासन के जरिए विधायक समर्थकों के साथ और विधायक के साथ की जा रही है वो काफी चिंताजनक है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं उसी संभल से कि जिस तस्वीर की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। ये वीडियो है एएसपी यानी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, ये इस वक्त बहुत चर्चा में है। अनुकृति शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आईपीएस अधिकारी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर संभल में इस आईपीएस ऑफिसर ने ऐसा क्या काम अंजाम दे दिया कि जिसके बाद लोग थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की तारीफों के पुल बांधने में। दरअसल जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पर यह आरोप कि वो मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहा है, तो उसी बीच सोशल मीडिया पर 7 तारीख को ही एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई कि जिसमें एडिशनल एसपी आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा खुद पोलिंग बूथ पर मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए और 2 टोक जबान में समझाया कि जो आप कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है, आप वोटर आईडी कार्ड चेक नहीं कीजिए, आप इनको अंदर जाने दीजिए, वहां जो अधिकारी मौजूद हैं उनका काम है कि वो वोटर आईडी कार्ड चेक करेंगे, अगर वोट डाला जा सकेगा तो उन्हें वोट डालने दिया जाएगा और अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो उसको खारिज कर दिया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वोट नहीं डालने दिया जाएगा। लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आप दरवाजे पर खड़े होकर वोटर्स को रोके और उनको अंदर तक न जाने दें, पहले यहां से उन्हें अंदर जाने दीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा वो अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो करेंगे, ना कि पुलिस प्रशासन तय करेगा। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो की सराहना की जा रही है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। सही तो है, तो नाम भी तो आगे जाके चेक कर लेंगे, वो अंदर जाके बैठ सकते हैं ना, जो ये जो बनती है पति ये पहचान पति के साथ गलत होगा, लेकिन आधार कार्ड कौन सा, ये आधार कार्ड ये आधार कार्ड से नाम से क्यों से पता नहीं, वो आ गई समझ में, ये आपने कभी चेक करवाया हो तो कहते हैं सही कर दो, वहाँ सही कर देते हैं अंदर, उन्हें करने तो रिजेक्ट भी करना है पुलिस का काम नहीं है, अंदर लेट देम फिल। महिला आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि जहां एक तरफ पुलिस पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यह भी एक वीडियो है कि जिसकी सराहना बेइंतहा की जा रही है और शायद इसकी सराहना बेइंतहा इसलिए भी हो रही है क्योंकि महिला पुलिस ऑफिसर ने
तमाम जिम्मेदारियों के साथ इस चीज को अंजाम दिया और उन्होंने पुलिस प्रशासन को बताया कि आप वोटर्स को अंदर तक तो जाने दीजिए, जब वो अंदर जाएंगे तभी तो ये चीज तय हो पाएगी कि वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर ये सारी चीजें बाहर ही तय हो जाएंगी तो फिर अंदर जाकर क्या किया जाएगा, और जब उन्हें आप अंदर तक जाने नहीं देंगे तो ये कैसे तय होगा कि वो वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। तो 7 तारीख को संभल में मतदान मुकम्मल हुआ और उसी बीच अफरा तफरी के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने तौर पर इस पूरे प्रकरण पर कई सफाइयां दी हैं, डीएम के जरिए कई ट्वीट किए गए हैं और बताया गया है कि क्या घटना हुई थी, क्या चीज फेक है और क्या चीज सही है, कौन सा वीडियो फेक है और कौन सा वीडियो फेक नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।